ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को मिली एक और सफलता। अंतरजनपदीय गिरोह का किया भंडाफोड़। बांदा। ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना अतर्रा पुलिस के हत्थे चढ़े अंतरजनपदीय गिरोह के 5 सदस्य जिले में कई चोरी की वारदातों को दे चुके थे अंजाम। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां गिरोह ने कस्बे के एक मैरिज हॉल में हो रही शादी में शामिल होकर दुल्हन की मां के खुजली वाला पाउडर डाल दिया, जिससे दुल्हन की मां ने अपने साथ लिए हुए बैग को पास में रखकर बाथरूम चली गई। बैग में दुल्हन के जेवर व नकदी थी। शातिर बैग लेकर वहां से बाहर आ गए, जहां गाड़ी लिए उनके अन्य साथी मौजूद थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से गिरोह के सभी साथियों को पकड़ लिया है, जिसमें एक महिला भी है। गिरोह के सभी सदस्य मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वही अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र का कहना था कि गिरोह द्वारा पूर्व में बबेरू में भी पैसे निकालकर आ रहे एक व्यक्ति को निशाना बनाया था। दोनों घटनाओं में लूटा गया माल बरामद कर लिया गया है। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। थाना अतर्रा की पुलिस ने रात में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, पकड़ा है, जो टप्पेबाजी करते थे शादियों में, जो दुल्हन की माँ या दूल्हे की माँ के पास गहने वगैरह होते थे, एक विशेष प्रकार का पाउडर छेड़ करके, और जब वो खुजाने में व्यस्त हो जाती थी तो उसका पूरा पर्स गायब कर देते थे। लगभग 4 लाख के आसपास गहना वहाँ से चोरी किया था। इसके अलावा ये गैंग जो है टप्पेबाजी में माहिर है। थाना बबेरू अंतर्गत जनवरी माह में एक व्यक्ति पैसा जमा करने गया था, जिसका इन्होंने झूला पार कर दिया था। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज से वेरीफाई किया गया है। ये बेसिकली जो बिल्डिंग पकड़े गए हैं, ये राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कड़िया सासी जाति के हैं, और ये अपराधी किस्म की प्रजाति है, जो पूरे 12 महीने जनपद प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर अपराध करते हैं। इन लोगों को जो पकड़ा गया है, ये 1000 रुपये की गाड़ी इन्होंने हायर की थी प्रतिदिन के हिसाब से, और उसके बाद घूम घूम करके अलग अलग जिलों में बांटा देता है। सर, जिसकी गाड़ी थी क्या उसको भी पकड़ा गया है? नहीं, उसको क्या मालूम कि वो क्या काम कर रही है। सर, इसमें कितने लोग हैं? इसमें अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व प्रयागराज में भी इसी गैंग के कई लोगों को पकड़ा गया था, जेल भेजा गया था, उसी क्रम में हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की। जनपद में इन्होंने एक ही जगह चोरी की थी और कई जगह? अभी तक 2 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें लगभग 1 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है। दोनों घटनाओं का लगभग 3 से 3.5 लाख।